तो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में आपका। और नया व्लॉग लाया हूँ और एक फिशिंग हंटिंग मैंने, और आज और आया हूँ हमारे साथीदार बशीर मामू के साथ में, जो बहुत काबिल शिकारी है। इधर इधर देखो मामू, एक हाथ लाओ। और ये तकरीबन 40 साल से शिकार कर रहे और बहुत काबिल शिकारी है। और आप देखना है आज ही आज क्या पकड़ के बताते हैं अपने को, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। मैंने डाले फर्स्ट टाइम, अभी उनको चाल भी हो रही और ये इसकी तैयारी कर लिया सिद्दौड़ लगा के। बताए इधर मामू सिद्दौड़। और ये फेंक दिया, चाल पे आने के बाद में यहाँ मच्छी लगी है। अभी चाल पे ला रहे, बता रहे मच्छी को। और बहुत अच्छे और बहुत काबिल शिकारी है बशीर मामू। देखो ये बशीर मामू है, चारा लगा रहे। मामू कौन सा कलर का चारा ना, तिलापी पकड़ने का? हाँ, ये तिलापी पकड़ने के लिए लाल चारा जो के फार्म में तैयार किया जाता है वो चारा लगाया जा रहा है। ये और ये कुदरती ये नहीं है, बल्कि इसको फार्म में तैयार किया जाता है। लाल कलर का चारा होना दरअसल तैयार करता है ये चारा। तुम खुद तैयार करते हो मामू? नहीं नहीं, लाया महाराज, ये तैयार किया हुआ चारा है लाल। ओके, सफ़ेद केचुए सिद्धूड़ अलग लगते हैं दोस्तों, और लेकिन तिलापी के लिए लाल चारा ही चाहिए। तो मैं जो तालाब पे आया था, बहुत खूबसूरत तालाब है और देख सकते हैं यहाँ पे ये खेत है, ठीक है? और खेत वालों ने जो बदख पाल के रखे, ये बहुत खूबसूरत मंजर लग रहा है। देखो बदख उधर जा रही, ओके जा रही। और एक हमारे भाई साथीदार मच्छी पकड़ने वाले, देख सकते हैं आप। और ये बदखे बहुत खूबसूरत मंजर है। और देखो दोस्तों एक नई जगह चाल होगी नए तालाब पे। और ये खरक मार दिए बशीर मामू ने। हमें ज़रा इधर बताओ उसको, देख सकते हैं आप। और मैं कैमरा दूर से ही पकड़ के बैठा हूँ क्योंकि उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तेज़ी डाल दी गई। अब आएंगे यहाँ पे ट्रिक, एक वो सुबह में आ गया तो इंशाल्लाह लगेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे भी लगना चालू हो गए मच्छी नए तालाब पे, नई जगह पे। देखने से लेके तो तब बशीर मामू ने चारा लगा लिया और चारा लगा लिए हैं और ये गल फेंकने के लिए तैयार। देखना है इनको क्या लगता है, क्या हासिल होता है। ऐसे चाल तो हो रही है उनको। और इधर अरशद ने भी लाए और काफ़ी बड़ी लेके आए, उन्होंने भी अच्छी बड़ी साइज है दोस्तों। और बशीर मामू ने बहुत बड़ी ला ली, उन्होंने भी और अब उनको भी लगना चालू होगी। दरअसल में बहुत उस्ताद आदमी है वो, उनको बहुत ज़्यादा उसकी ट्रिक मालूम है मछली पकड़ने की, कौन सी मछली कौन से टाइम पर कैसे लगेगी। अब चारा लगा रहे उनके गल होक के ऊपर। और देख सकते हैं दोस्तों काफी खूबसूरत बतखें उड़ते हुए आ रही।
पहले हमने वो बतख बताया, ये जंगल की बतख है, तालाब के ऊपर आके बैठ गई। अब बशीर मामू हर चारा और अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जल डालने के लिए। मिस हो गया, उधर कर ले छोटी हो। तो दोस्तों अभी ट्राई कर रहा था, बहुत छोटी है, तो अब उसको हम रिलीज कर दी, कर दो फेंक दो यही पानी में, यही पानी में। और अब जाके दूसरे मच्छों को बोल दी, मतलब वो बता रहे हैं अरशद की छोटी जमा होगी और एक चाल, और बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, देख सकते हैं आप दोस्तों। बड़ी बोले तो दोस्तों वही आधा किलो की साइज की लग रही है तिलापी। खालिद भाई इसको निकालना कैसे चाहिए, देखो लोग उसको डायरेक्ट पकड़ते हैं, ऐसा डायरेक्ट पकड़ने में कांटा मारती है, इसके मुंह में एक उंगली डालने का ऐसा। अच्छा। और ये नीचे से अंगूठा लगाने का ही हूँ तो मच्छी नहीं गिरती कहीं भी, है लोग क्या करते हैं उसको डायरेक्ट पकड़ लेते हैं तो कांटा मार देती है। ये देखो, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा तरीका बताया अरशद ने इसको निकालने का, बहुत दिनों से देख रहे हैं, वो भी बहुत एक्सपर्ट है। बशीर मामू तो चले गए, उनका शिकार हो गया। दरअसल में लोग यहाँ पे ज़्यादा जमा हो गए तो बशीर मामू उस वजह से उठ गए। दरअसल दोस्तों शिकार करते हैं डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए, तो शिकार अभी चल देख सकते हैं दोस्तों, एक लगी अरशद को और काफ़ी बड़ी है। अरशद यहाँ पे ज़्यादा शिकार कर रहे हैं और उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है निकालने की, दरअसल में वो एक्सपर्ट हो गए मच्छी निकालने की वजह से। इधर हाय बोलो अरशद, इधर बोलो हाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, हमारे खालिद भाई का हौसला बुलंद करो। ओके तो अरशद बहुत अच्छे अस्तर, बहुत कूद रही हो देख सकते हो दोस्तों। जो ये मच्छी ऐसी घूमती ना भाई तो उसको कपड़े से निकालना क्योंकि वो कांटा मार सकती है। देखो अरशद बता रहे हैं कि मच्छी अगर घूमी तो फिर उसको कपड़े से निकालना, और नहीं घूमी तो डायरेक्ट उसके मुंह के अंदर हाथ दे के अंगूठा दे के निकाल सकते। और बहुत बड़ी है ये, है ना, बड़ी है ना, अच्छी साइज है। और बहुत ज़्यादा लग अरशद के उधर, और शिकारी बैठे हैं लेकिन उनको कुछ ज़्यादा शिकार नहीं हो रहा, हालांकि उधर भी चार चार डंडे और चार चार गलत चला रहे हो भी। ये दरअसल मच्छी का जो शिकार है लक्का भी होता है दोस्तों, इसकी किस्मत अच्छी इसी को मच्छी लगती, और थोड़ा बहुत खिलाड़ी भी होना आदमी ने, देख सकते हो उधर भी चार चार डंडे। एक उस्ताद को हॉर लगी और बहुत बड़ी है, देखो मैंने बोला और उनको अभी शिकार हो गया। इधर बताओ उस्ताद, उस्ताद इधर बता, बहुत दूर से, बहुत देर से बैठे थे और बहुत बड़ा, बहुत बड़ी है, निकाल दो उस्ताद उनको। बता नहीं रहा, बता ही लेना तू, साइज बताओ उसकी कितनी बड़ी है। हाँ हाँ पकड़ो उसको, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा, चलो डालो डालो थैली में। काफी अच्छी थैली भर के आए उन्होंने भी, हमारे पास बहुत ज्यादा शिकारी है। ठीक है उस्ताद, क्या बात है, और सत की हर चाल हुई, और ये चाल है देख सकती, चाल बढ़िया है। चलो चारा भी खत्म, तो अरशद का भी यहाँ पे चारा ख़त्म होगा, और दूसरे मेरे साथीदार
मेरे दोस्त लोग भी पकड़ रहे हैं यहाँ पे शिकार। और दोस्तों दरअसल में हो रहा अभी शाम का वक्त, देख सकते हैं आप ये तालाब बहुत खूबसूरत है। और तालाब के साथ साथ इधर खेती केली की, इधर उनका बाड़ा है, ठीक है ये बबूल। तो दोस्तों आज के व्लॉग को अपन ख़त्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। तो दोस्तों देखो सबने भी काम अटक गया पूरा, मछली फिशिंग का शिकार हो गया, मछली का शिकार। हाथ पाँव धोना चालू है, और हाथ पाँव धोना चालू है इनके। और आप देख सकते हैं अब रवानगी होगी घर पे, अब रवानगी होगी घर पे। और आप देख सकते हैं, देखिए आप मछली कितनी इतनी सारी मछली है। एंटे के अर्शद हमारे बहुत बड़े शिकारी, उन्होंने पकड़े है मछली जो लाल फर की है मछली, ठीक है। तो चलो दोस्तों आप आज का व्लॉग को ख़त्म करते हैं यहीं पे। गुड बाय।